हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। शुरुआत करेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू होगी, कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होगी। मोहाना बिच कॉलेज में तैयारियां की जा चुकी हैं। इस वक्त हलचल तेज है, वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, मोहाना बिच कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगा दी गई है। मतगणना को लेकर यहां 3 लेयर की सिक्योरिटी इस वक्त नजर आ रही है, जहां पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 20 राउंड में वोटों की गिनती पूरी होगी, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर मुख्य मुकाबला देखने को मिल सकता है। बेहद कांटे की टक्कर होने वाली है। एक तरफ योगेश्वर दत्त, दूसरी तरफ इंदुराज नरवाल, जिनके बीच में माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर होगी। इस बात को खुद बड़े बड़े नेता मान रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने खुद इस बात को माना है कि ये जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी रहने वाली है। और अब से कुछ ही देर में जब मतगणना शुरू होगी, धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे, वैसे वैसे उत्सुकता भी बढ़ेगी और पार्टियों के कार्यकर्ताओं के भी मन में, नेताओं के मन में डर जरूर होगा, क्योंकि जैसे जैसे रुझान आएंगे क्लियर होता जाएगा। 11 से 12 बजे के बीच में अमूमन पता चल जाएगा कि बड़ौदा सीट पर किसकी जीत होगी और किसको मुंह की खानी पड़ेगी। रही बात बीजेपी और कांग्रेस और इनेलो के तमाम बड़े बड़े नेताओं की, तो इस सीट को जीतने के लिए 100% प्रयास सभी बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पर देखने को मिले। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, भूपेंद्र हुड्डा से लेकर अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, सभी बड़ौदा के रण में, इस मैदान में एक साथ नजर आए अपनी अपनी पार्टियों के लिए। चुनाव प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा था, सभी ने इस सीट को अपनी साख से जोड़ा। अब सभी लोगों के लिए ये सीट वाकई साख का सवाल बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो उनका गढ़ इस सीट को कहा जाता है, और भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ इसी तरह इस सीट पर प्रचार किया जैसे मानो वो खुद चुनाव लड़ रहे हो यहाँ से। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा, दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए। लगातार बड़े बड़े नेताओं ने सीट पर डेरा डाला हुआ था। एक तरफ है योगेश्वर दत्त, जिन्होंने 2019 में भी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था, और दूसरे नंबर पर योगेश्वर दत्त आए थे। श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ सर एक बार फिर 2019 में विधायक बने थे, लेकिन उनके निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई, यहाँ पर अब उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर उपचुनाव में वोटिंग हुई, उसके बाद आज दिन है मतगणना का, तय हो जाएगा कि ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के ही खाते में जाती है या फिर बीजेपी इस बार कांग्रेस के इस किले को भेदने में कामयाब होती है। तो अब मतगणना शुरू हो चुकी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोट की गिनती शुरू हो चुकी है, और उपचुनाव में जैसे जैसे आगे मतगणना की प्रक्रिया बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपडेट्स देते रहेंगे, एक एक करके। बैलेट पेपर के गिनती के साथ जो है शुरू होगी वोटों की गिनती, और शुरू हो चुकी है मोहाना बिच कॉलेज में मतगणना की प्रक्रिया इस वक्त जारी है, और इंतजार है 11-12 बजे तक अमूमन पता चल जाएगा कि ये सीट किसके नाम पर जाती है, कौन इस सीट पर जीतता है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से जरूर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न की तैयारियां तक कर ली हैं, लेकिन वाकई ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बेहद कड़ी टक्कर वाला ये चुनाव होने वाला है। योगेश्वर दत्त पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा इसीलिए जताया क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव में भी योगेश्वर दत्त ने श्री कृष्ण हुड्डा को कड़ी टक्कर यहाँ से दी थी, और योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर जरूर आए थे, लेकिन 4 से 5 हजार वोटों का जो ये मार्जिन था, इसे बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना गया। यही एक वजह थी कि योगेश्वर दत्त पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया, और बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में नजर आए। वहीं दूसरी तरफ इंदुराज नरवाल को लेकर जरूर बीजेपी ने सवाल खड़े करे कि इनको तो कोई यहाँ जानता नहीं है, लेकिन इंदुराज नरवाल को यहाँ बड़ौदा सीट में
बेहद लोकप्रिय, लोकल स्तर पर उन्हें नेता माना गया है और भूपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से इस सीट पर चुनाव प्रचार करते नजर आए, कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को समझा कि ये सीट जो है वो उनके नाम से जुड़ी हुई है, उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके कद से जुड़ी हुई है। यही एक वजह रही कि दीपेंद्र हुड्डा हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, उन्होंने सीट पर जो मेहनत करी उसे देखकर ये लग रहा था जैसे खुद भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो। तो जो टक्कर रही वो ना सिर्फ योगेश्वर दत्त, इंदुराज नरवाल और योगेंद्र मलिक के बीच दिखी, बल्कि बड़े बड़े नेताओं की टक्कर ये नजर आई। अभय चौटाला यहाँ पर इरेलो ने जो अपना जनाधार खोआ उसको वापस पाने की कोशिश जरूर करी। ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आए इनेलो के प्रत्याशी के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें सीएम मनोहर लाल से लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा से लेकर दीपेंद्र हुड्डा, सभी नेताओं ने इसे अपने साख से जोड़ा, अपनी इज्जत से जोड़ा। इस सीट पर अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें, राजनीतिक बयानबाजियों की बात करें, तो कृषि बिल इन चुनाव में सबसे अहम मुद्दा रहा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री ने लास्ट में एक कार्ड चला और कहा कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जिस तरीके की जुबानी जंग देखने को मिली, मुख्यमंत्री ने राजनीति छोड़ने तक की बात कह दी, उससे साफ यही नजर आया कि कुछ भी कहने को, कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे बड़े बड़े नेता इस सीट को जीतने के लिए। मुख्यमंत्री ने जब कहा कि मैं राजनीति तक छोड़ सकता हूं, तो उनका जवाब देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी दिखा दे इन बिलों में कहां एमएसपी है, अगर एमएसपी दिखा देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो यहां तो राजनीति छोड़ने तक के चर्चे होने लग गए थे। अब कौन राजनीति छोड़ता है, कौन नहीं छोड़ता है, देखिए वो बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इस सीट पर किस नेता की साख की जीत होती है। तो अब हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे और धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे अब फिलहाल मतगणना जो है, काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे एक एक करके जब ईवीएम मशीन्स खुल रही हैं तो धीरे धीरे अलग अलग इलाकों के जो रुझान है वो भी आने शुरू होने वाले हैं। तो आप बने रहिए हरियाणा न्यूज पर, पल पल की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे और बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना को लेकर महाकवरेज लगातार जारी है। आपको अपडेट दे देते हैं, इस वक्त मोहाना बिट्स कॉलेज में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, 20 राउंड में पूरी होगी यहां पर वोटों की गिनती। और यहां जरूर तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनका रिएक्शन जरूर लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, इनफैक्ट हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विजेंद्र जी। कितनी उत्सुकता है, कितना डर है, क्या महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त अब जब मतगणना शुरू हो चुकी है और 11-12 बजे तक अमूमन रिजल्ट आ जाएगा? आपको आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी जी कि मैडम पूरी तरह से उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरह से चुनावों में हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ौदा की जो जनता है उसने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पहलवान योगेश्वर दत्त जी उनको एक बड़े मार्जिन से यहाँ पे जीत मिलेगी। ऐसा कॉम्पिटिशन तगड़ा रहने वाला है, कड़ी टक्कर रहने वाली है, तो खुद ओपी धनखड़ मान चुके हैं इस बात को। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जब चुनाव होता है तो उसमें मुकाबला तो होता ही है और हम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ में हमारा कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 साल में बड़ौदा के अंदर बहुत सारे विकास के काम किए हैं, हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे विकास के काम किए हैं। मैं खुद वहां पे 7-8 दिन चुनाव प्रचार में रहा हूं तो मैंने देखा किस तरह से सरकार ने वहां पे काम किए हैं। और खिलाड़ियों का गढ़ है बड़ौदा, हर गांव के अंदर भारी संख्या में खिलाड़ी हैं और योगेश्वर जी खुद एक खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों का भी बहुत समर्थन और युवाओं का बहुत समर्थन उनको है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो एक कड़ा मुकाबला होगा लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। विजेंद्र जी लेकिन देखिए आश्वस्त आप भी हैं लेकिन कांग्रेस इस कदर आश्वस्त है चुनाव के लिए कि जीत की तैयारियां भी कर ली गई हैं और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने ढोल नगाड़ों का इंतजाम कर लिया है और सेलिब्रेशन के लिए लड्डू तक मंगवा लिए गए हैं। तो इस
आश्वस्त इस कॉन्फिडेंस को देखकर कांग्रेस के इस पर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता कह रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपने भी इंतजाम कर लिए? देखिए नंदिनी जी, हम तो अति उत्साह में रहने वाले लोग नहीं है और चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है, कई उनकी तैयारी कैसे धरी रह जाती है। आप देखिए जींद का जो उपचुनाव हो रहा था तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था, वहां पर तो कितनी बुरी तरह से हारे थे इनके रणदीप सुरजेवाला जी, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता ने उनको धूल चटाने का काम किया था। और जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी इन्होंने लड्डू बंटवाए थे, तब भी इन्होंने ढोल नगाड़े मंगवाए थे, वो सारे ढोल नगाड़े ऐसे ऐसे के ऐसे रखे रह गए। तो हम तो देखो बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो जमीन से जुड़ी पार्टी है, हम लोग बड़ी बातें ना करके बड़ा काम करने में विश्वास करते हैं। तो हम इस तरह का लड्डुओं का ढोल का नगाड़े का इस तरह की कोई व्यवस्था ना करके हम लोग पहले चुनाव नतीजों का इंतजार करते हैं और जब चुनाव नतीजे हमारे पक्ष में आते हैं उसके बाद में बिल्कुल साधारण रूप से हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए कोई हो हल्ला नहीं मचाते। क्योंकि चुनाव का माहौल मैडम ऐसा होता है कि जब एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें कई बार बुरा भी लगता है, चुनाव में कई बार आपस में छोटा मोटा मन मुटाव भी हो जाता है, वो कई बार झगड़े का और बड़ा रूप ले लेता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चीजों को ना करके सामान्य रूप से हम इस चीज को लेंगे। नेहरा जी, अगर उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी जीतती है या मान लीजिए कांग्रेस जीतती है तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये जो मूड है ये सिर्फ बड़ौदा हलके का नहीं होगा बल्कि पूरे प्रदेश का होगा? इससे पता चलेगा कि एक साल तक जो बीजेपी जेजेपी की सरकार का जो टेन्योर रहा, जो आपकी नीतियां रही, उसको पूरे प्रदेश ने स्वीकार किया है इन बड़ौदा उपचुनाव से, ये पता चलेगा? देखिए ऐसी बात नहीं है मैडम, अगर आप देखें 2014 के चुनाव में तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 46-47 सीटें उस समय आई थी लेकिन बड़ौदा हम फिर भी नहीं जीत पाए थे। अगर हम 2019 चुनाव की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें आई थी लेकिन बड़ौदा हम फिर भी नहीं जीत पाए थे। इससे पहले आज तक कभी भी बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, हमेशा कांग्रेस और इनेलो का वो गढ़ रहा है। इस बार क्योंकि कांग्रेस के वहां से विधायक चुने गए थे और उनका स्वर्गवास हो गया है तो ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती है अपने गढ़ को बचाने की और भारतीय जनता पार्टी के पास एक अवसर है। हमारा मात्र इस सीट को हम जीतेंगे तो हमारे विधायकों की जो संख्या है वो 40 से 41 हो जाएगी। मुझे नहीं लगता इस सीट से जीतने से और इस चीज को मान लो दूसरे रूप में लेने से कोई बहुत ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हमने इसको अवसर के रूप में लिया है, बड़ौदा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो हमें जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, पहली बार बड़ौदा में कमल खिलेगा। चलिए बिल्कुल, आपकी इस उम्मीद को देखकर वाकई लगता है कि आप भी काफी आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर, लेकिन यहां से बीजेपी कभी नहीं जीती है, इस बार ऐसा क्या होगा कि बीजेपी की जीत को लेकर आप इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं वो आपसे जानेंगे। लेकिन हमारे साथ यहां सुखबीर तंवर जी जुड़ चुके हैं, इनेलो से प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत सुखबीर जी। इनेलो भी यहां से जीत रही थी कांग्रेस से पहले, एक बड़ा जनाधार आपने यहां पर खोआ, अपने उस जनाधार को वापस पाने के लिए अभय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला लगातार यहां बड़ौदा मैदान में बने हुए थे, डटे हुए थे। क्या लगता है अपने उस खोए हुए जनाधार के कितने परसेंटेज तक आप पहुंच जाएंगे? देखिए आज अभी ये कहना कि हम कितने परसेंट पे पहुंचेंगे ये अनुचित है, अभी 2-3 घंटे की बात है, परसेंटेज सामने आ जाएगी। हमने बहुत बेहतरीन प्रयास किया है, हमने जो भी बेकायदगियां अतीत के 10 वर्ष जो कांग्रेस की रही और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का 5 वर्ष का शासन रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का 1 साल का शासन रहा, इसकी जो भी बेकायदगियां रही हमने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब ये बड़ौदा हल्के की जनता ने देखना है कि किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे। हालांकि निसंदेह जिस प्रकार से विगत का चुनाव परिणाम था, 1 साल पहले विधानसभा के आम चुनाव हुए, उसमें हमारा जो विघटन की वजह से जो दिक्कत और परेशानी आई, निसंदेह अब हमें उभरने का समय है और निसंदेह बड़ौदा हल्के की जनता जितना भी आशीर्वाद देगी वो ठीक है और आने वाला हमारी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा ये कहीं ना कहीं आज का चुनाव परिणाम जो भी आएगा वो हमें भी कहीं ना कहीं एक सबक देगा, एक पाठ देगा कि अभी से हमें किस प्रकार की और चुनावी तैयारी करनी है। तो क्या आप मानते हैं इस बात को कि बड़ौदा उपचुनाव का जब रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे और बड़ौदा की जनता का जो मूड पता चलेगा उससे कहीं ना कहीं पता चलेगा कि जो 1 साल की नीतियां रही बीजेपी जेजेपी सरकार की, इस टेन्योर की जो नीतियां रही या कृषि कानून को लेकर एक्सेप्टेंस रही, उसका स्वागत करना हुआ, तो ये पूरे प्रदेश के इस एक मूड को के बारे में पता चलेगा, उस मूड को भापा जा सकता है इन चुनाव के जरिए?
देखिए ना के सिर्फ बड़ौदा, ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश, अपितु ये चुनाव समस्त भारत के मूड को भी तय करने का काम करेगा। आज जो बिहार में चुनाव के परिणाम आने हैं और मध्य प्रदेश के भी जो बाई इलेक्शंस जिस प्रकार के सरकार की तोड़फोड़ हुई, वो कहीं ना कहीं सारे के सारे परिणाम से आगामी समय में किस प्रकार से इस राष्ट्र की जो राजनीतिक दिशा दशा तय होने वाली है, वो सारी बातें इस चुनाव आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। चलिए हमारे साथ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता नेहरा जी भी बने हुए हैं। नेहरा जी, कृषि कानून को लेकर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मुद्दा रहा कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी जेजेपी के लिए भी, तो वो था कृषि कानून, क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों के बीच में कृषि कानून को लेकर आप पर निशाना साध रही थी और आप लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ये कानून आपके लिए बिल्कुल सही है। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार जब आपके नेता जनता के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर कृषि कानून को लेकर समझा रहे थे, तो उस बीच ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुख्यमंत्री को यह तक कहना पड़ गया कि एमएसपी खत्म हुई तो मैं राजनीति तक छोड़ दूंगा? और क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ा होगा मुख्यमंत्री के इस बयान का? देखिए नंदिनी मैडम, अगर कृषि कानूनों की हम बात करें तो 5 जून को भारत सरकार इन तीनों अध्यादेश लेके आई थी इनके लिए, और उसके अगले 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त में किसानों ने इन कानूनों को लेकर के बड़ी खुशी मनाई। चारों तरफ बड़ी खुशी का माहौल था। किसानों की बहुत पुरानी मांग थी। चौधरी देवीलाल जी और चौधरी छोटू राम जी जैसे किसानों के महान नेताओं ने भी ये मांग रखी थी कि जब व्यापारी अपने प्रोडक्ट का दाम स्वयं तय करता है तो किसान अपनी फसल का दाम खुद तय क्यों नहीं कर सकता। इस पुरानी मांग को किसानों की को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से पूरा किया कि अब किसान अपनी फसल का दाम खुद तय कर सकता था। लेकिन 3 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से दुष्प्रचार किया, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय मिलेगा कि किसानों के इसमें इतना अच्छा कानून बनाया, इतना अच्छा काम किया। उन्होंने किसानों को मिसगाइड किया, गलत तरीके से चीजों को बताना शुरू किया। ये जो विरोध किसानों का रहा, ये कहीं ना कहीं चुनौती बन गया बीजेपी के लिए, इस बात को स्वीकार करेंगे आप? चीज पे आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहना शुरू किया कांग्रेस की ना कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। इस दुविधा को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि मंडी भी वैसे ही रहेगी, एमएसपी भी वैसे ही रहेगी। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं कहा, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सोम प्रकाश धनखड़ जी जो स्वयं किसान हैं, किसान के बेटे हैं और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सबने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी भी रहेगी, मंडी भी रहेगी, और अगर एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति भी छोड़ने का काम करूंगा। ये हरियाणा के इतिहास की पहली घटना है मैडम कि किसी मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए अपनी कुर्सी को त्यागने तक का ऐलान कर दिया है। ये छोटी बात नहीं है, ये सर, बहुत बड़ी बात है। जरूरत कहाँ पड़ गई? सवाल तो यही है कि मुख्यमंत्री को जरूरत महसूस हुई कि कहीं ये जो कृषि कानून को लेकर विरोध है भारी ना पड़ जाए, तो मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो ऐलान किया, ये जो बयान दिया, इससे कितना फायदा बीजेपी को मिला होगा ये अपने आप में पता चल जाएगा आपसे कुछ ही देर में जब रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन आपके सवालों के या आपने जो बातें कही उनका जवाब जरूर यहाँ पर सुखबीर तंवर जी देना चाह रहे हैं, आपके पास लौटूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सोमवीर आर्य जी। और वोटिंग हुई जिस दिन, उस दिन आप हमारे साथ मौजूद थे और लगातार यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को लेकर आपने कई सारी बातें कही। अब आज जब मतगणना हो रही है, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते अभी फिलहाल क्या विश्लेषण आप निकाल पा रहे हैं? देखिए नंदिनी जी, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है, ये जो इलेक्शन था ये 2-3 मुद्दों पे ही था मेन। एक तो किसानों के जो 3 बिल थे ये मुद्दा था। ये मुद्दा ये नहीं था कि ये कितना ठीक और कितना गलत है, कितना ये फायदेमंद है किसानों के लिए और कितना। मुद्दा ये था कि ये जो बीजेपी सरकार है या जेजेपी के जो सरकार है, ये कितना जनता तक पहुंचा पाते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए अच्छा रहेगा। सवाल ये था, सवाल ये नहीं था, ये तो बाद का इश्यू था कि कितना बेनिफिट है। और मुझे लगता है कि अगर आज ये लूज होते हैं, जैसे आपका सर्वे भी था, अगर होता है तो ये प्रॉपर किसान को नहीं समझा पाए। हम पहले भी ये बात डिस्कस हो चुके हैं कि हम इसको समझा नहीं पा रहे, बल्कि आपके यहाँ पे एक डिबेट में बात हुई थी तो मैंने ही कहा था भाई, आप अगर एमएसपी पे इतनी गारंटी देते हो, सीएम साहब कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हो आप, एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे रहा है,
तो आप इसको किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट लेके क्यों नहीं बता देते सरपंचों को, हर पंचायत में लगाओ, ब्लॉक समिति पे लगाओ, थाने पे लगाओ, हर डीसी ऑफिस में लगाओ, बस अड्डे पे लगाओ। जब आपके नेताओं की और फोटो पांच पांच सात सात करोड़ फोटो छपती हैं, तो क्या एक एक छोटी सी आप नहीं कर सकते? लेकिन अगर ये केस देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री का अपने आप में कहना कि एमएसपी अगर गया तो मैं इस्तीफा दे वो दूंगा, आपका क्या ये नाकाफी है? वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? नहीं इसलिए कहना पड़ा उनको कि वो उससे उस बयान से पहले उनको विश्वास नहीं हुआ कि लोगों के समझ आ गया, इसलिए तो कहना पड़ा। तो ये नौबत आई उससे पहले ही ये बातें हो जानी चाहिए थी। बड़े बड़े बोर्ड लगाते, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते, आप डोर टू डोर जाते, आप वोट मांगने जाते हो, वोट के लिए पर्ची देने जाते हो, तो ये किसानों को कितना समझा पाए? इनका जो इलेक्शन था ये दारंदार इस बात पे था। दूसरा जो टॉपिक था, पहले बात हो चुकी है कि ये जो जेजेपी कितना ट्रांसफर करवा पाई, तो ये दो दो तीन मुद्दे थे जिसपे अभी जनता ने अपना मैंडेट दिया है। देखते हैं, अभी रुझान आने शुरू होते हैं और रिजल्ट आ जाएगा जी। तो इसमें कहना मेरा यही था कि किसान का फायदा कितना है वो तो सेकेंडरी इशू था, सवाल था इनको पहुंचाया जाए उनके पास। देखिए कुछ किसान यूनियन थी, उनके समझ आ गया कि ये फायदेमंद है, उन्होंने वापस ले लिया। कुछ को नहीं समझ आया, जैसे पंजाब था, राजस्थान में भी एजिटेशन हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, तो उनको नहीं समझ आया। नहीं समझ आया तो इनकी ड्यूटी थी कि चाहे अपने ही स्वार्थ में, इलेक्शन का माहौल था इसमें, तो डोर टू डोर जाके इनको चाहिए था। अगर वो समझा पाए होंगे तो आज रिजल्ट आ जाएगा, नहीं समझा पाए होंगे तो ठीक है। हाँ, ये आप क्योंकि बड़ौदा हल्के में किसानों का वोटर काफी ज्यादा, किसान वोटर्स काफी ज्यादा है, किसान वोटर्स की परसेंटेज काफी ज्यादा है, तो कृषि कानूनों को लेकर कितनी एक्सेप्टेंस किसानों के बीच में बनी है वो इस बड़ौदा हल्के से जरूर समझ आएगा, पता चलेगा कि क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये तो राजनीति से प्रेरित है, तो अभी राजनीति से प्रेरित था या किसानों का वाकई जेन्युइन विरोध था वो आज के इस नतीजों से पता चल जाएगा। देखिए नंदिनी जी, एक बात और साथ जोड़ना चाहता हूँ कि आज का जो नतीजा है, मान लो एक 1% ये तो अगर मैं सब कुछ वोटर डिसाइड कर चुके आ जाएगा, बट अगर आज हम ये कहें कि आज का जो बाई इलेक्शन हार जाती है बीजेपी, तो उसको आप किसान मुद्दे को आप गलत नहीं कह ठहरा सकते कि ये कृषि कानून भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन लेकिन इस सीट पर, इस सीट पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट मानी जा रही है, उसके ऊपर हम नेशनल राष्ट्रव्यापी नहीं थोप सकते कि आज इन्होंने मैंडेट नहीं दिया तो ये गलत था, ये किसानों के हित में नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये नहीं समझा पाए होंगे, इसी वजह से ऐसा हुआ जी जी। लेकिन वही बात मैं बार बार कहूंगी कि कृषि कानून बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस सीट पर कई फैक्टर्स थे। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस की जीत वाली, कांग्रेस के वर्चस्व वाली इस सीट पर बीजेपी इस किले को भेदने में कितना कामयाब होती है, इसका आकलन जब किया जाएगा तो एक मुद्दे पर मंथन नहीं होगा, कई सारे फैक्टर्स आएंगे। हमारे साथ सुखबीर तंवर लगातार बने हुए हैं। आप जरूर कुछ कहना चाह रहे थे जब नेहरा साहब अपनी टिप्पणी यहाँ पर दे रहे थे, तो अपनी बात पूरी करें। देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से नेहरा जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इनको याद दिलाना चाहूं जिस वक्त माननीय धनखड़ साहब जो आज प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उस वक्त किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, देश और प्रदेश में अर्धनंगन प्रदर्शन करते हुए अनेक जगह धनखड़ साहब ने कहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मंजूर करेगा। कायम रिपोर्ट, काय मंजूरी, सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून की जहां तक बात है उस पर मैं बाद में जाऊंगा। स्वामीनाथन की ये कहते हैं कि हमने अनेक सिफारिशें मान ली कोई सिफारिश मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो लागत है उसका 50% मान लो। किसान को आपसे कतई कुछ नहीं चाहिए, ना आपके आप जो ये बिल लाए हैं ना इनकी कोई इनका कोई औचित्य है, आप सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत 50% कर दें, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। रही बात बिलों की बात हुई, देखिए राजनीतिक विश्लेषक यहां बैठे हैं, अभी विधानसभा में जिस प्रकार से ये बेशर्मी की बात है, धन्यवाद प्रस्ताव ला रहे हैं, करना विरोध चाहिए, पंजाब में विरोध किया, दूसरे कानून बनाने की बात हुई, राजस्थान में भी उसी प्रकार का हुआ। सरकार है, नहीं नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं, यहाँ पे बेशक सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए ये जो तीन कानून है, एक तो तीसरे कानून से किसान का अन्यथा कोई लेना देना नहीं है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन जो 1955 इन्होंने किया है, सिर्फ और सिर्फ
अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, इसके अलावा इस बात का कोई मतलब नहीं। बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं ना कि किसानों को इस कानून से कोई नुकसान होगा ही नहीं। नंदनी जी, मैं नुकसान क्या होगा बताता हूँ आपको, वैसे ही बेचेंगे आगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको नुकसान क्या होने वाला है। अभी अगर पिछले दिनों कोई 20-25 दिन पहले आपने देखा हो कि प्याज के दाम बढ़ गए, इस कानून के तहत स्टॉक लिमिट समाप्त होगी। इनके पूंजीपति दोस्तों ने जो स्टॉक करना था कर लिया, और जब किल्लत हुई तो उस स्टॉक के बाद इन्होंने कह दिया कि भाई नहीं, अब प्याज से ये कानून काम नहीं करेगा। पर तो सर बहुत मंथन किया है, मंथन कानून ने को कितना प्रभावित किया है, उस पर मंथन ज्यादा जरूरी है। आप बात को समझिए, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को, आप लोगों ने इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश की। नंदनी जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ कहीं और ले जा रहे हो। कृषि कानून पर नहीं, कृषि कानून पे नहीं, मैं कृषि कानून से जुड़े हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो जमाखोरी हुई और जिस प्रकार से प्याज के दाम बढ़े, फिर इन्होंने कहा कि भाई हमने प्याज को इस कानून से बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर इनकी संज्ञान में तो बताएं जवाब दे इस बात का। सवाल ये है कि ये मुद्दे कितना प्रभावित कर पाए चुनाव को, आपको लगता है कि कृषि कानून पर बीजेपी को नुकसान हुआ होगा? देखिए, बड़ौदा के चुनाव की मैं बात बता दूं, हालांकि नतीजे आ जाएंगे, वहां पे एक ही बात थी, मैं भी निरंतर वहां बड़ौदा में रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी मुखालफत रही है जिसकी कोई आप अपेक्षा से भी ज्यादा। हालांकि सरकार है, सरकार के जो वहां पे दुरुपयोग हुआ, सारी बातें जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, वो सारी बातें हैं। अच्छा, ये सम्मानजनक स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन इनका धरातल पे बहुत भारी वहां विरोध मतलब था। आपकी टीम ने भी वहां जाके देखा होगा। नेहरा जी, अभी तो जीत भी नहीं हुई है और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप नहीं हुए हैं, मैंने देखा है। कांग्रेस जीत गई, देखा है। अगर कांग्रेस देखिए, हार जीत की बात नहीं है, बात है कि वहां पे सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, जिस प्रकार से चतुर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रिश्तेदारों को इधर से उधर जो ये कर सकते थे किसी भी तरीके से, वो सब कुछ हुआ है। इसके बावजूद भी वहां लोगों का मन था कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराना ही हराना है, बाकी नतीजे आ जाएंगे। चलिए, बिल्कुल नतीजों का इंतजार हो रहा है, और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि अब मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। पल पल की अपडेट आपको हरियाणा न्यूज देता रहेगा, तो बने रहिए इस महाकवरेज पर हमारे साथ। विजेंद्र नेहरा जी, अभी मतगणना शुरू हुई है, धीरे धीरे पता चलेगा, 11 बजे क्लियर भी हो जाएगा। देखिए, आप लोगों के पास इस सीट पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार जीत दर्ज करेंगे, जरा डिफरेंस बताइए कि पिछली बार के चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाए, इस बार ऐसा क्या हो गया कि जीत लेंगे? क्योंकि योगेश्वर दत्त तो पहले भी थे मैदान में, एक बार फिर से आपने उनको टिकट दिया, इस बार ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को लग रहा है जीतेंगे हम? देखिए, सबसे पहले नंदिनी जी, अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी, उनको 42,500 वोट यहाँ पे मिले थे और 37,726 वोट हमें मिले थे, यानी 31% वोट भाजपा को मिले थे, 34% वोट यहाँ पे कांग्रेस को मिले थे, 27% के करीब वोट यहाँ पे जेजेपी को मिले थे, 32,000 कुछ वोट, और इनेलो को मात्र यहाँ पे 3145 वोट मिले थे, 2%, और यहाँ पे बीएसपी को मिले थे 2.5%, जो मिले थे 3282 वोट। तो पिछले चुनावों में मैं आपको बताऊं कि मात्र 3% वोट हमारे कम थे कांग्रेस पार्टी से, और अगली बार बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और हम मिलकर अगर बात करें तो 58% वोट हमारा पिछले के अनुपात में बढ़ता है। ये तो आपका बड़ा सवाल है कि ये जो 27% जेजेपी का रहा, क्या आपको लगता है कि ये आपके आपके साइड आया होगा, या ये बटा होगा, या इसका फायदा किसी और को मिला होगा? देखिए बिल्कुल मैडम, क्योंकि हमारे दोनों की मिला के अगर पिछली वोट की हम देखें काउंटिंग टोटल, तो 70,206 वोट हमारी बनती है, उसमें से जेजेपी का वोट जो, क्योंकि नेचुरल हमारा अलायंस रहा है शुरू में भी, इनेलो जब संयुक्त थी तो बीजेपी का और इनेलो का पहले भी गठबंधन रहा है, तो इसलिए जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो नेचुरल रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनका भी वोट मिलेगा, अपना वोट 3% हम पहले से और बढ़ाएंगे, इसलिए हमारा जीत का जो मार्जिन है वो हमारा 10,000, 15,000, 20,000 तक हमारा मार्जिन, बहुत ज्यादा मार्जिन हमारा इस बार जीत का रहने वाला है। दूसरा, मैं तंवर साहब की कुछ बातों का मैडम जवाब देना चाहूंगा, आप मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। इन्होंने बात की थी ओम प्रकाश धनखड़ जी की, तो मैं तंवर साहब को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अगर कपड़े उतार करके प्रदर्शन किया तो किसानों के लिए किया, और किसानों के लिए पूरे जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। मैं उनको बताना चाहूंगा किस तरह से स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को अगर लागू कराने की हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात की थी, तो आपको ध्यान होगा मैडम, अभी 15-20 दिन पहले जब सत्र चल रहा था तो देश के कृषि मंत्री ने खड़े होकर के लोकसभा में जहां कुछ भी बोला जाता है तो डॉक्यूमेंटेड माना जाता है, अन्यथा महाभियोग का उसमें वो चला के
उसको आयोग हम ठहरा सकते हैं जो सांसद है उसने गलत कुछ कहा है तो। उन्होंने कहा था कि 301 जो सिफारिश थी स्वामीनाथन जी की उसमें से 300 को लागू करने का मोदी जी ने काम किया है, तो उसको चैलेंज करिए। अगर आप इन लोगों को लगता है उन्होंने गलत कहा है तो आप कोर्ट में जाइए, बोलिए उनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए अभियान चलाइए लोकसभा में, पहली बात। दूसरा सर, आज तो मतगणना की हम बात कर रहे हैं, इस मतगणना की बात कर लेते हैं और इस पर राय में लूंगी सोमवीर आर्य जी की। सोमवीर जी, ये जो 27% वोट की बात कर रहे थे नेहरा जी कि हमें जो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था और जेजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो अब मिल गया है और अब बीजेपी की जो जीत होगी वो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, तो ये जो 27% था क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के खेमे में गया होगा या ये 27% वोट्स का फायदा किसी और पार्टी को मिलने वाला है? देखिए नंदिनी जी, पॉलिटिक्स में दो चार नहीं होते। अगर ये जोड़े तो 3872,000 हो गए, इनको इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, कंपेन की जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर इन्होंने मानता, ये देखने को मिला है, मीडिया में भी देखा है, लोगों ने भी बताया है कि ये असल में सच्चे अलायंस की तरह से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये कितना कर पाते ये तो टाइम बताएगा, लेकिन कम से कम 70-72 जो टोटल है वो तो नहीं हो पाएगा। अगर वो हो जाता तो कोई बात ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बड़ी ईमानदारी से एक दूसरे अलायंस की इन्होंने हेल्प की है। दूसरा मैं जो बताना चाह रहा था कि जो किसान बिल की रिजल्ट आने से पहले बात कर ले, किसान बिल को इससे, ये जो किसान बिल ठीक है कि बेनिफिशियल है कि फायदा देगा किसान का, समर्थ करेगा या नुकसान करेगा, जैसे विपक्ष लगातार जी काला कानून है, ये चीज आज के इलेक्शन से डिसाइड नहीं होती। देखिए स्टेट का इलेक्शन है, वो भी बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में स्थानीय मुद्दे होते हैं, एक तो स्टेट के मुद्दे, फिर बिल्कुल स्थानीय मुद्दे आ जाते हैं, तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे होते हैं। देखिए हम चाहे कितना भी सैद्धांतिक बात कर ले, टीवी पे बैठ के, स्थानीय मुद्दे होते हैं और ये एक बड़ा कारण रहा कि यहाँ पर जो तीन अहम पार्टियां हैं उनके जो प्रत्याशी हैं वो लोकल ही हैं, यानी तीनों प्रत्याशी बड़ौदा से ही बिलोंग करते हैं, किसी ने भी रिस्क नहीं लिया कि वो किसी भारी प्रत्याशी को यहाँ पर उतार दे। नंदिनी जी वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो जो मेन मुद्दा है, इसके अलावा जो बाई इलेक्शन होता है, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, बल्कि हल्के का मुद्दा होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, उसमें कैंडिडेट देखा जाता है। कैंडिडेट कम से कम इस बार बड़ौदा की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम बारी नहीं थोपा गया, क्योंकि ये पंचायत हुई थी पहले एक अशोक मदीना गांव में, मदीना जी ने की थी, उसे छत्तीस बिरादरी ने कहा अगर बाहर का कोई कैंडिडेट हमारे कोई पार्टी देगी हम उसका विरोध करें, तो कम से कम इतना हुआ है लोकतंत्र में, इतना तो इनको हक मिला जनता को कि कम से कम उनके यहाँ। अब आप इस पर किस कृषि बिल पर बता रहा था मैं, कृषि बिल देखिए, ये कृषि बिल को आप मेन मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि अगर इसमें इलेक्शन हार जाती है किसी तरह की वजह से, मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो एक मिनट के लिए अगर लूज करती इलेक्शन, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल जो है ना ये किसानों के लिए नुकसानदेह है और ये इनके लिए ये काला काम है, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश भी किसान बहुल है, किसान बहुत है, वहां की सर्वे बता रही है। आप आज ये यूपी में आजिए, यूपी में भी किसान किसानी है, आप महाराष्ट्र में आजिए, वहां पर सर्वे अच्छा खासा बता रहे हो इलेक्शन। अब बिहार की बात अभी भाई ने की थी, बिहार में मैं बताऊं टक्कर दे रही है वहां पर बिहार में, अगर इतना ही एक काला कानून होता, इतना ही लोगों के समझ नहीं आता, इतना ही नुकसानदायक होता, तो वहां पर बिहार में टक्कर कैसे होती, वहां भी किसानी है, वहां तो किसानों का एक बहुत बाहुल है। तो आप आज के इलेक्शन से उसको जोड़ सकते हो, एक पार्टली आंशिक असर हो सकता है, लेकिन आप ये मापदंड नहीं है कि अगर किसी तरीके से लूज हो जाती है सरकार, तो यही बात मैं कह रही हूँ कि कृषि कानून एक फैक्टर रहा, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर था, वो था विकास का। विकास का मुद्दा बिल्कुल गूंजा, चारों तरफ गूंजा, बीजेपी की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि इस क्षेत्र में तो बिल्कुल विकास ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी तक बीजेपी का विधायक नहीं बना, आप बीजेपी का विधायक बनाइए उसके बाद यहाँ इस क्षेत्र में सरकार विकास करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बोला कि यहाँ पर तो खट्टर सरकार ने विकास नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस की जीत लगातार हो रही थी। तो कुल मिलाकर जो मुद्दा गूंजा वो ये था कि ये क्षेत्र बड़ौदा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है और ये एक बड़ा मुद्दा इन चुनाव में रहा था। अब यहां पर किसे ब्लेम किया जाए, किसे ब्लेम ना किया जाए, ये अपने आप में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक तो हमारे पास आते ही नहीं थे। तो कुल मिलाकर इन बातों का प्रभाव कितना पड़ा होगा, विकास का मुद्दा कितना हावी हुआ होगा, इसे किस तरीके से देखते हैं हम? देखिए नंदिनी जी, ये जो विधायक है ना, ये किसी पार्टी का नहीं होता, जो इलेक्ट होकर शपथ लेता है एसडीएम के सामने विधायक की, तो उस वक्त वो किसी पार्टी का या किसी जनता का, पूरे हलके का होता है। ये सारे ढकोसले हैं, ये एक जनता को भ्रम पैदा करने के। अगर वो कांग्रेस का एमएलए था,
और प्रतिनिधि उनका था, तो उसको बेकायदा लिस्ट लेके जाना चाहिए, जिस तरह से दूसरे एमएलए जाते हैं कि जी मेरे हलके में फला गांव में सड़क की जरूरत है, वहां कॉलेज की जरूरत है, मेरी डिमांड नहीं दिखाई, कहां डिमांड है। दूसरा अगर फिर भी नहीं मानता, कहते जी हमारी सुनवाई नहीं थी, ये बात हमारी डिबेट में आई है, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हमारी सुनते नहीं, सुनते नहीं तो आप सड़क पर बैठिए, आप सड़क पर बैठिए, तो मैं कह रहा हूं आप सड़क पर बैठिए, आप बैठिए सड़क पर लेकर विधानसभा जब तक, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि विधायक जी विधायक सर साहब होते हैं, माननीय होते हैं, वो जनता का सबसे बड़े श्रोमणी होते हैं, वो उनको कोई जरूरत नहीं है एक बार इलेक्शन होगा, पांच साल से पहले आएंगे, ये सारे एक बहाने हैं जनता के, विधायक ऐसा ही रूलिंग पार्टी का काम करवा सकता है, मैन टू मैन है, इच्छा शक्ति है, अपना एक काम करने का तरीका है, बहुत से विधायक ऐसे हुए, चोरी देवीलाल होते थे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, सरकार कांग्रेस की होती थी ना वहां पहले होते थे, और देखिए देखो थोड़ा सा प्रीवियस बदला नहीं दी, थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे ना तो पहले क्या होता था 1970 ये जो 70-80 से पहले, पहले क्या होता था कि जो अपोजिशन पार्टी की सीट होती थी जिस पे विधायक रूलिंग पार्टी के अलावा विपक्ष का होता था उस पे सरकार ज्यादा ध्यान देती थी क्योंकि अगली बार ये मतलब सीट हमारे गोली मार जाए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे विधायक किसी भी पार्टी के हो, अगर विधायक की इच्छा शक्ति है तो क्षेत्र का विकास जरूर होगा। अगर हम इस एंगल से देखें तो बीजेपी ये सोचे, बीजेपी तो ये सोचते है कि भाई अगली बार ये हमारे यहाँ 5000 वोटों से पहलवान आ रहा था, इसके इतना विकास कर देंगे 5000 का और हो जाए, और जो नेहरा जी क्या ये सोचा आपने, इन उपचुनावों के लिए कि पहले योगेश्वर दत्त हारे, उस हार की मार्जिन को बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना जा रहा था क्योंकि लगातार श्री कृष्ण हुड्डा यहां से जीतते हुए आ रहे थे, योगेश्वर दत्त ने उन्हें वाकई कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस जो 5000 वोट्स के मार्जिन को खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या इन एक सालों में किया? देखिए नंदिनी जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस एक साल के अंदर, क्योंकि कोरोना का भी टाइम आया, बहुत सारे काम इस तरह से जो नए शुरू किए लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि बीच में इस तरह का भी मजदूर भी अपने यहाँ चले गए थे, लेकिन बहुत प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पे मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, वहां पे सड़कों का विस्तार किया, वहां पे आईएमटी की बात अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दी है, 271 करोड़ रुपए वहां पे अब सरकार के माध्यम से जो काम जी, मैं नेहरा जी को एक सेकंड के लिए रोकूंगा, आप एक साल नहीं, आप 6 साल का बताएं नेहरा जी, आप 6 साल में आपने किया क्या किया बड़ौदा के लिए, हालांकि नतीजा आ जाएगा कुछ घंटों में, लेकिन आप 6 साल का विश्लेषण बताएं, आप चुनाव उपचुनाव की शुभगुहार के बाद आपने जो कुछ किया उसकी वैल्यू नहीं है, आप 6 साल का विश्लेषण दे, निसंदेह आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक बात आप थोड़ा सा ना शांति से सुन लिया करो, 4 घंटे की बता दिया आपको, आप 6 साल का चलिए बोल लीजिए, आप बोलते बोलते थक जाओगे 4 घंटे में, आप सुन लो शांति से, मैं आपके नंबर पे कभी नहीं बोलता, आपको बीमारी है बीच में बोलने की, आप मैं आपको 4-5 साल का बता देता हूँ, सुनते रहना ध्यान से। देखिए क्योंकि बड़ौदा पूरी तरह से मैडम ग्रामीण क्षेत्र है, मैं इनको 5 साल का बता देता हूँ, तो यहाँ पे वर्तमान सरकार जो हमारी इसके कार्यकाल में अकेले किसानों की जो फसलें हैं जो खराब हुई है, खराब होने पर 9581 किसानों को 21,92,55,000 रुपए की मुआवजे राशि हमने दी है, किसानों को हमने 1,55,066 सॉयल हेल्थ कार्ड यहाँ पे बांटे हैं जो मिट्टी की जांच करके किसान को ये बताते हैं कि आपकी फसल के अंदर, आपके खेत के अंदर ये फसल ज्यादा होगी, आप इसको बोइए आपको अधिक फायदा मिलेगा। हम सहकारी बैंकों की अगर बात करें मैडम, तो 49,033 किसानों को हमने 242,94,00,000 रुपए हमने यहाँ पे उनके फसली ऋण जो है उनको हमने वितरित किया है यहाँ पे, इसके साथ साथ सिंचाई प्रणाली हमने यहाँ पे विकसित की है। नेहरा जी लेकिन ये बात तो खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं अपनी अपनी स्पीच में, मुख्यमंत्री आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए कि यहाँ पे विकास नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के विधायक मेरे पास आते ही नहीं थे। नंदिनी मैडम देखिए मैं बताना चाहूंगा, पहले तो मैं आपको देखो मैं तवर साहब की बात का जवाब दे रहा था कि मैं 50 कामों के लिस्ट लेके आया हूँ 5 साल के अंदर, सुनने का सामर्थ्य चाहिए आप में, मैं सुना सकता हूँ पहली बात। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है क्योंकि यहाँ के विधायकों ने कभी जाके आवाज नहीं उठाई यहाँ के लिए, कोई ब्रांड नहीं, आप ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक कह रहे हैं भैया, आर्य भी जैसे कह रहे थे बोलते रहो आप, जो विधायक है अगर उनकी नहीं सुनी जाती थी आप रोड पे आइए, आप रोड पे क्यों नहीं आते, आर्य भी बहुत अच्छी बात कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम की हमारे एक बिल्कुल नए फ्रेशर खिलाड़ी ने योगेश्वर दत्त जी ने पसीने चढ़ा दिया था पिछली बार हुड्डा जी के, जो लगातार यहाँ पे विधायक थे, मात्र 4 से 5 4800 वोटों का अंतर रह गया था, अब की बात तो बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये तवर साहब जो बात कर रहे हैं ना मैडम सुनिए, मैं बता देता हूँ 2000 से ज्यादा वोट नहीं आएंगे इन लोगों की, और जो बात ये कर रहे हैं ना आप यही बैठे हो भाई, मैं आपको इससे बता देता हूँ, अरे भैया इतने बड़े जोक से मत बनाओ, सबसे सबसे जो बड़ी बात है ना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कि बिहार में भी गठबंधन हमारा जीतेगा,
और जहां देश में उपचुनाव हो रहे हैं सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है सर्वे में भी, और ये कंवर साहब इनकी जमानत पता नहीं कितनी बार जब्त होगी, और हरियाणा प्रदेश का बीमार ये इनका सूफा ही साफ हो जाएगा जिस तरह से नेगेटिव राजनीति। बहुत बढ़िया नेहरा साहब। नहीं तंवर साहब ये जो बात कह रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए नेहरा साहब कि आपके 2000 वोट आएंगे, ये आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन विधानसभा में जो हर्ष ने रहा इनेलो का सर उस पर मंथन किया कि नहीं किया आप लोगों ने? जी हर तरह का मंथन है, हर तरह की बात है, कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और इसके प्रवक्ताओं का एकमात्र काम झूठ बोलना है। अब नेहरा साहब सच बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं, कौन सच बोल रहा है तो ये बता देंगे। एक बात को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विधायक जी आए नहीं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास लिस्ट है। अरे भैया 6 साल में बड़ौदा के लिए कुछ नहीं किया, किया तो हरियाणा के लिए ही कुछ नहीं, आपने किया तो देश के लिए ही कुछ नहीं, सिवाय आप धर्म और जाति के आधार की राजनीति करते हो। आपने भाई से भाई को लड़ाने का काम करने वाले लोग हो, ये देश प्रदेश जान चुका है, अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप भी बात को समझ लो, आज इस देश और प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और आज से इस देश और प्रदेश में एक नई राजनीति शुरू होगी। इस उपचुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, आपकी पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि हम सरकार पलट देंगे या इस चुनाव के बाद। देखिए बीजेपी के लिए आप इस बात को समझिए सोमवीर जी, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर इस सीट को जीतती है तो कांग्रेस का किला भेदेगी, और अगर इस सीट को नहीं जीतती है तो यहाँ तो ऑलरेडी कहा जाएगा कि कांग्रेस का वर्चस्व था। तो इस नंदिनी जी, जो लोकतंत्र में सरकार चलती गिनती से, और आज अगर हम देखें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले अगर बीजेपी जीत गई तो एक सीट उनके बढ़ जाएगी, नहीं जीती तो कांग्रेस जीत गई तो उनके उतने ही रह जाएंगे जितने थे। हाँ आगे एक सवाल पैदा ये जरूर होता है कि जनता का एक बाई इलेक्शन एक मापदंड होता है कि अब तक आपने जो किया उससे जनता कितनी सेटिस्फाई है, और आप जो है पिछले समझो 19 से 1.5 साल में जितना भी आपने किया और 5 साल पिछले भी अगर पावर में थे तो उस बाई इलेक्शन में ये जरूर थोड़ा सा आती है, थोड़े से आशार बनते हैं कि भाई इसने अच्छा किया होता तो बीजेपी आ जाती, क्योंकि सरकार के पास विकास करने का मौका था, उनके पास बजट होता, उनके पास पावर होता है, तो इसका मतलब अगर वो हार जाते हैं तो उस सरकार उनको अपनी जनता को अपने जो हल्के के लोग थे उनको विकास नहीं कर पाई, उनका भला नहीं कर पाई, हारने का मतलब ये होता है। अदरवाइज कहने को तो अच्छी बात है, अपोजिशन का धर्म है ये कहना चाहिए सरकार गिरा देंगे, सरकार अगर गिराएंगे तो ये आपस में ही गिराएंगे, आपसे सरकार किसी विपक्षी पार्टी गिरने वाली नहीं है ये, हाँ आपस में इनका कोई डिस्प्यूट हो जाए या वो एक अलग चीज है, और वो भी आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हाँ होगा, बाकी संख्या बल के हिसाब से अभी कोई खतरा नहीं है सरकार को, सरकार ऐसी ही चलेगी। हाँ सरकार को अगर लूज कर जाती है तो जरूर सोचना चाहिए कि अभी 15-16 महीने में इस हल्के का कुछ कर नहीं पाए, इसलिए जनता ने आपको रिवर्ट दिया है। अगर मान लो बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी के फेवर में सीट आ जाती है तो उसके बल्ले बल्ले जैसे जींद में हो गया था उससे और भी उनको लेसन लेना चाहिए, और जितने भी वादे इलेक्शन से पहले किए इन्होंने, जो भी कॉलेज बनाएंगे, जितने भी वादे किए IIT के लिए किया है और दूसरे जितने, वो वादा पूरे करने में लगाएं, अगर जीतते हैं तो हारे तो भी लगाएं, ये एक लोकतंत्र की मांग है। और सरकार सीखर है जी, सरकार आज के दिन इस माहौल से कोई बिगड़ने कुछ बिगड़ने वाला जी। चलिए हमारे साथ खालिद चहलका साहब कांग्रेस से प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ अमित नेहरा जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का स्वागत है। और कांग्रेस ने तैयारी कर ली है खालिद साहब, इतने आश्वस्त आपके तमाम कार्यकर्ता बड़ौदा में नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि टक्कर जो है वो कड़ी रहने वाली है, क्या वो कांग्रेस पार्टी भी मानती है इस बात को? सबसे पहले तो मैं भाजपा के कार्यकर्ता भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, बड़ा बिहार तक की वो बात कर रहे हैं, बिहार मध्य प्रदेश और सारे देश की वो बात कर रहे हैं। ये जो चुनाव है पूरी सरकार भाजपा JJP और पूरी व्यवस्था के खिलाफ बड़ौदा के किसान ने लड़ा है, क्योंकि किसान पे जिस तरह के इन लोगों ने चोट मारी, किसान को जिस तरह से एक तरह से आत्महत्याओं के लिए और उकसाया, मतलब ये एक ऐतिहासिक इनके लिए, मतलब ये कहते हैं कि हम इस एक सीट से आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो एक सीट है इनकी जो पिछले वक्त की जो बीते वक्त की कार्यशैलियां उनको परिणाम मिलने वाला है। जहां तक तैयारियों की बात है, कांग्रेस पहले से अस्वस्थ है इसको लेकर, क्योंकि वहां के किसान का नौजवान का बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ था, और मैं समझता हूं कि ये जीत हमारे लिए नहीं बल्कि इस प्रदेश के लिए एक नई दिशा तय करेगा, और मैं समझता हूं कि सरकार अपना विश्वास
इस चुनाव के तुरंत बाद सरकार विश्वास खो चुकी है और उनको खुद को एहसास हो जाएगा कि वो सरकार का जो जनता का विश्वास खो चुके हैं। चलिए खालिद जी वापस लौटेंगे, सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, फिलहाल अपडेट ले लेते हैं। सीधा बड़ौदा से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल नंदनी, आपसे कुछ ही देर पहले योगेश्वर दत्त यहाँ पहुंचे हैं, वो भी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो अभी काउंटिंग सेंटर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर का नजर किस तरीके से फोर्स तैनात है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, और 500 मीटर की दूरी पर ही धारा 144 लगा दी गई है। तमाम वो बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है, मैं बात करूँ DC यहाँ मौजूद है, SP यहाँ मौजूद है, तमाम चलिए संजय से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अभी जैसा कि संजय बता रहे थे योगेश्वर दत्त पहुंचे हैं मतगणना सेंटर पर और काफी आश्वस्त खुद बीजेपी JJP के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त यहां पर नजर आ रहे थे। तो एक तरफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेशन तक की तैयारी कर ली है, वहीं बीजेपी के नेता बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो कहना बेहद मुश्किल है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जुड़ चुके हैं, उनका आकलन जरा जानते हैं। नेहरा जी, जिस तरीके का समीकरण रहा इन उपचुनावों में, और पिछली बार विधानसभा के बड़ौदा विधानसभा का मैं जरूर जिक्र करूंगी, कि क्या बदलाव बीजेपी JJP गठबंधन के अलावा आपको यहां नजर आ रहा है? और योगेश्वर दत्त जिस हिसाब से टक्कर दे पाए थे विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है आपको कि वो जो कंपटीशन देखने को मिला था, अब कंपटीशन उससे भी ज्यादा कड़ा और उससे भी ज्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, राजनीति जो होती है वो मौके की होती है और सूत और कसूत की होती है। हम पहले जो चुनाव हो चुके उससे कंपैरिजन कर तो सकते हैं, लेकिन उससे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या रहेगा। हाँ, लेकिन उस पर हम विश्लेषण जरूर कर सकते हैं। आपने कहा कि मुकाबला टफ होने वाला है, निश्चित तौर पे टफ होने वाला है, लेकिन पहले क्या था कि पहले मुकाबला त्रिकोणीय था, अब की बार वो मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं जब भी गया वहां पे तो मुकाबला आमने सामने का था। आमने सामने में भी फिर क्या होता है कि फिर देखा जाता है कि टक्कर कितनी तेज है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछली बार जितनी जिस मार्जिन से सीट फंसी थी उस मार्जिन से सीट फंसेगी। मुझे लगता है कि जो भी पार्टी जीतेगी वो ठीक ठाक जीत जाएगी, अच्छे उससे मार्जिन से। इतना नहीं होगा कि 5,000 से कम हो, मेरा अनुमान है कि 8,000 से 12,000 के बीच में जीत का मार्जिन रहेगा। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो पूरे संसाधन थे एक पार्टी की तरफ, एक प्रत्याशी की तरफ, पूरा प्रदेश की जो मशीनरी थी वो लगी हुई थी। दूसरी तरफ दो ही व्यक्ति थे जिनके पीछे पूरी मतगणना हुई, मतदान हुआ। बिल्कुल, और इस बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी कि आप यहाँ भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, तो ये चुनाव भूपेंद्र हुड्डा में जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे उसे देखकर वाकई ये लग रहा था कि जैसे भूपेंद्र हुड्डा का साख का सवाल ये चुनाव वाकई है, और उनका जो पद कांग्रेस पार्टी के अंदर है उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा इन चुनावों की वजह से, क्योंकि यहाँ वाकई वो अकेले नजर आए हैं। नहीं, साख की बात नहीं है, क्या होता है कि जो बड़े नेता हो जाते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, उनका एक प्रभाव क्षेत्र होता है एक एरिया में। हर जो बड़ा नेता होता है उसका एक प्रभाव होता है, जैसे बंसीलाल का भिवानी में प्रभाव रहा है, देवीलाल जी का एक ऐसे नेता रहे उनका पूरे हरियाणा में प्रभाव था लगभग, कभी सिरसा में प्रभाव रहा, कभी जींद में प्रभाव रहा, कभी सोनीपत में प्रभाव रहा, कभी रोहतक में प्रभाव रहा। तो देवीलाल तो इनसे बढ़ के बड़े नेता थे, वो राष्ट्रीय स्तर के भी नेता रहे, आप ये कह सकते हैं सीकर तक जाके जीते वो। तो बाकी भजनलाल हैं, उनका भी जो प्रभाव था वो हिसार में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, हालांकि वो भी कई जगह से जीते हैं, करनाल से जीते, जाके फरीदाबाद से जीते। तो इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, आपको बता दें शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, शुरुआती रुझान आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। ईवीएम मशीन धीरे धीरे करके एक एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, और जो पहला राउंड यहां पर काउंटिंग हुई होगी उस हिसाब से अगर रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है रुझानों को लेकर?
जी बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से पहला रुझान आना था और उसी में कांग्रेस इस पर आगे नजर आ रही है, जैसे ही पहले रुझान है तो कांग्रेस इसमें आगे नजर आ रही है और बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। तो साफ तौर पे जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे उपचुनाव में, कांग्रेस की जो मजबूती है काफी मजबूत स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है, और जैसे ही बैलेट पेपर खुले तो उसमें कांग्रेस जरूर मजबूत नजर आ रही है और कांग्रेस बढ़त की तरफ दिखती। और मैं भी अभी काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, जिस तरीके से रुझान आना स्टार्ट हो गया कांग्रेस इसमें बढ़त जरूर लेती नजर आ रही है। मैं बात करूं नेहलू की, काफी पीछे नजर आ रही है, राजकुमार सैनी की मैं बात करूं काफी पीछे, और क्योंकि योगेश्वर दत्त अभी यहां पहुंचे हैं वो भी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर खुला तो उसमें कांग्रेस आगे निकलती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त के लिए काफी निराशा की चिंता का विषय हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस क्योंकि यहां से पिछले 3 बार लगातार यहां से जीत दर्ज की है और एक बार फिर कांग्रेस बढ़त दर्ज करती है, तो क्योंकि पहला रुझान है इसमें अभी बहुत जल्दी होगी कि किस तरफ झुकाव होगा, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के पहले राउंड में ही जिस तरीके से पहला रुझान आता है तो कांग्रेस बढ़त लेती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं या फिर दीपेंद्र हुड्डा की बात करूं, जिस तरीके से चुनाव की कमान उन्होंने संभाली थी तो उससे सुनिश्चित हो रहा था जिस एक बार फिर कांग्रेस यहां जरूर काबिज होगी, लेकिन अभी यह कहना जल्दी होगा क्योंकि पहला बैलेट पेपर ओपन हुआ है और उसमें कांग्रेस बढ़त की तरफ है और बीजेपी फिलहाल बैलेट पेपर्स की काउंटिंग नजर आ रही है। और बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होने के बाद जो रुझान आया उसमें कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन अभी जाहिर तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब ईवीएम काउंटिंग के रुझान आना शुरू होंगे, क्योंकि ईवीएम काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है तो अब उसके रुझान भी धीरे धीरे आना शुरू होंगे तो तब क्लियर हो पाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नेहरा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए, नेहरा साहब अभी सिर्फ बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हुई है और कांग्रेस पार्टी उसमें आगे है, कितनी हलचल महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए बैलेट पेपर के जो काउंटिंग होती है उसके आधार पे हम पूरी मतगणना को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जी, क्योंकि वो एक बड़ा सैंपल नहीं है, ना वो इस तरह का परिचायक है कि हमने हांडी से चावल उठा लिया और देख के बता दिया। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस को एज देना चाहूंगा। मैं यहाँ रिएक्शन नेहरा साहब से जरूर लेना चाहूंगी, विजेंद्र नेहरा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सर अभी फिलहाल सिर्फ बैलेट पेपर्स के रुझान घोषित हुए हैं, पता चले हैं, लेकिन कितनी हलचल बीजेपी इस वक्त महसूस कर सकती है या क्या लग रहा है आगे अभी आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत का पूरा विश्वास है और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं बैठ के कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 20 राउंड की काउंटिंग होनी है मैडम, तो किसी जल्दबाजी में कोई बातचीत करें तो वो ठीक नहीं है। 20 राउंड की काउंटिंग के बाद जब फाइनल नतीजे जब आएंगे हमारे सामने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी और कांग्रेस फिर से ईवीएम का रोना रोएगी यहाँ पर, देख लेना, क्योंकि इन्होंने पहले चुनाव से पहले इन्होंने जो वहां पे वोटर की पर्ची ढूंढने के लिए जो वहां पे मशीनें आई हुई थी उनको इन्होंने दुष्प्रचार शुरू कर दिया था कि भाई ये तो ईवीएम में ये हो गया वो हो गया, जबकि वो एक मतदाता की सुविधा के लिए वहां पे पर्ची ढूंढने के लिए नंबर डालने के बाद वहां से पर्ची निकलती थी वोट डालने की उस मशीन से और वो सब जगह भेजी गई थी, लेकिन इन्होंने इस तरह से दुष्प्रचार किया तो मैडम इनको अपनी हार तो पहले ही दिख गई थी। और दूसरा जो इन्होंने अभी इनके कार्यकर्ता बैठे थे कांग्रेस के यहाँ पे वो तो अपने शब्दों में ही गलत बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अस्वस्थ है। अरे भैया हम भी तो यही कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है, बीमार है कांग्रेस पार्टी, मैडम आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, अस्वस्थ बोला है उन्होंने आप सुन लीजिए, तो हम भी तो ये कह रहे हैं अस्वस्थ कांग्रेस बीमार है। भैया आपको आप बीमार हो, आप बीमार पार्टी हो, आप बीमारी के बाद ना अब अंतिम संस्कार होने वाला है, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, जिस हिसाब से शुरुआत हुई है आप ये टिप्पणी नहीं कर सकते। मैडम सुनिए, दूसरा मैडम मैं बताना चाहूंगा, देखिए सुनिए, इन्होंने बोला था इस शुरुआत पर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इस शुरुआत पर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं खालिद साहब। मैडम मेरी बात तो सुनिए, चलिए उनकी भी बात सुन लेते हैं सर, कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस का विपक्ष ले लेते हैं। मैं पूरी कर देता हूं बात को, खालिद साहब बोलिए। नहीं आपके पास पूरा करने के लिए बात सुनो, कानों को खोल के रखो और रिजल्ट को भी देखते रहो। ये जो आपकी भाषा है ना अश्वस्थ फलाना, ये जो आपकी भाषा है ना उनका ये निकलने वाला, ये जो भाषा है ये सभ्य दल का नहीं है, भाजपा जो सिखाती है ये उसी का असर है, जो एक आपकी जो आइडियोलॉजी है उसका असर है, जो बदतमीजी की जो भाषा है ना, ये रुझान पे बात, जो रुझान की बात है, रुझान में आपसे आगे हैं और आखिर तक आप ये कहते रहेंगे हम जीतेंगे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में होगा, इसको दोनों कानों से सुनिए, इसमें ये मत कहिए कि मुझे ये ऊंचा सुना ये नीचा सुना, आप हारेंगे आप जीत जीत करते रहे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप इसको दोनों कानों से सुनिए कि आप चुनाव हारने वाले हैं, आपको सुना अच्छे से नेहरा साहब, ये इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है ना?
सोमवीर जी, जी अभी फिलहाल सिर्फ बैलेट पेपर्स के रुझान आए हैं, कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है लेकिन वाकई कुछ नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे अभी ईवीएम मशीन्स में वोट्स की काउंटिंग शुरू हुई है, धीरे धीरे पता चलेंगे रुझान। रुझानों के आधार पर हम जीत और हार तो नहीं अनुमान लगा सकते, लेकिन हाँ एक बात जरूर है यहाँ पर कही जानी चाहिए कि बीजेपी के अंदर कश्मकश उपचुनाव के नतीजों को लेकर शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ओपी धनखड़ ने पहले ही कह दिया है कि जो चुनाव में रिजल्ट आएगा उससे पता यही चलेगा कि कड़ी टक्कर होगी। पहले ही बीजेपी के दिग्गज नेता मान चुके हैं कि टक्कर जो है वो जोरदार है, कड़ी है, कंपटीशन तगड़ा है। नंदिनी जी, मेरा साहब वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक बात कही है कि टक्कर आमने सामने के बिल्कुल दो दलों में है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये पुराना इतिहास भी रहा है कि अगर विपक्ष का वोट विभाजन नहीं होते हैं और अगर सामने के टक्कर है तो रूलिंग पार्टी हमेशा नुकसान में रहती है। अगर वोटों का विपक्ष का विभाजन हो जाता है, पर उपचुनाव में तो सोमवीर जी रूलिंग पार्टी को ऐसा माना जाता है कि ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि उपचुनाव में रिसोर्सेज होते हैं और रूलिंग पार्टी जाहिर तौर पर, ये बात भी इन चुनाव में काफी बड़ा मुद्दा रही कि देखिए सरकार जिनकी है अगर विधायक यहाँ पर उनका आया तो काम भी उन्हीं के ज्यादा होंगे। इस बात को खुद मुख्यमंत्री लगातार कह रहे थे। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, बट मैं जो नेहरा साहब ने कहा ना सामने सामने की टक्कर और वोटों के बंटवारे का, उस कंसेप्ट में कह रहा हूँ ये बात कि अगर जहाँ कहीं भी अगर विपक्ष के वोट नहीं बटते हैं, विपक्ष का बिखराव नहीं होता है, तो वहां पे चाहे वो बिखराव होने के दो तरीके हैं, या तो एक दूसरी जो विपक्ष है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाए या थोड़े से वोट आ जाए या फिर वापस में टकरा जाए। तो ये जो अब शुरू से ये डिस्कस हो रही थी तो नेहरा साहब ने जो बात बताई कि सामने सामने की कड़ी टक्कर है, जैसे ओपी धनखड़ साहब कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर इसमें कड़ी टक्कर रहती है तो थोड़ा सा मार्जिन रहेगा, अगर इन्हें लो ऊपर बढ़ जाती है, जैसे बता रहे थे 3,000 करीब वोट आए थे पिछली बार, अगर ये अच्छा मार्जिन ले जाते हैं तो तब सर, मेरी दिलचस्पी तो इस बात में भी है कि जो 27% वोट जेजेपी का है वो आखिर किस पार्टी के पास जाता है। नंदिनी जी, 27% ट्रांसफर नहीं हो सकते, किसी सूरत में नहीं हो सकते, यूं के यूं ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए बटेगा, इसका आधार है कि पिछली बार अगर प्री पोल अलायंस हुआ होता इनका तो हम मान लेते, अगर 2019 में प्री पोल अलायंस जेजेपी और बीजेपी का होता तो वोटर का वीव था, क्योंकि पिछली बार जब 19 में जो वोट दिया वो ये सोच के दिया कि दोनों इकट्ठे, ये सोच के तब तो ये दिया, अगर प्री पोल अलायंस होता तो ये सोच के देता कि इनकी पोल सोमवीर जी वापस लौटेंगे। फिलहाल ताजा जानकारी ले लेते हैं, पल पल का अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से अभी बैलेट पेपर की गिनती स्टार्ट है तो उसमें कांग्रेस रुझान में आगे जरूर है, लेकिन अभी ईवीएम की गिनती बाकी है और मैं मौजूद हूँ काउंटिंग सेंटर के बाहर और हमारी दूसरी टीम अंदर है जो हमें पल पल की अपडेट जो हमें पहुंचा रही है और हम दर्शकों तक ये सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त अंदर है और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ मजबूती जताई थी और ग्राउंड पे जो कांग्रेस ने प्रचार किया था उसका रिजल्ट जरूर कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में रुझान क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहली रुझानों में कांग्रेस बढ़त की तरफ है, क्योंकि बैलेट पेपर की अभी गिनती स्टार्ट है, ईवीएम की गिनती बाकी है, ये सारी चीजें अभी यहां चल रही हैं और तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात कर लूं या फिर कोविड के चलते सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात कर लूं, मास्क की व्यवस्था यहां की गई है, सैनिटाइजर की, और जो अंदर गाड़ी जा रही है उनकी गहनता से उनकी बारीकी से जांच की जा रही है, उसके बाद अंदर जो गाड़ी है उसको एंटर जा रहा है और तमाम प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं डीसी की बात करूं या फिर एसपी यहाँ मौजूद हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, किसी भी प्रकार की अनहोनी काउंटिंग सेंटर के आसपास ना हो। 500 मीटर में धारा 144 लगा दी गई है, 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की एक टीम बनाई गई है, उसके अंतर्गत ये सारे कार्य चल रहे हैं। तो आज जिस चीज का इंतजार था बड़ौदा की जनता को, क्योंकि उपचुनाव हुआ था और आज काउंटिंग का दिन है, और बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं या फिर इनेलो की बात करूं, तमाम मतगणना जारी है, पूरी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। खालिद साहब, कुछ ही देर में पता चल जाएगा, कुछ घंटों की बात है कि बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस जीतती है या फिर इनेलो के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ कमाल करते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बड़ी देर से है कि कांग्रेस पार्टी का जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा ही क्यों नजर आ रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा ही क्यों नजर आ रहे थे, कुमारी शैलजा नजर नहीं आई, किरण चौधरी नजर नहीं आई,
रणदीप सुरजेवाला को तो बिहार भेज दिया आपके आलाकमान ने। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शैलजा जी नजर नहीं आई? सर नजर आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा था। और ये बात सिर्फ मीडिया नहीं, ये बात आप किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे। आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं वो मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को परखा जा रहा है या उनके पद को लेकर, उनके कद को लेकर ये एक बड़ी लड़ाई बन चुकी है। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने 100% से भी ज्यादा जोर लगा दिया। इंदुराज नरवाल नजर आए कि नहीं आए वो नहीं कहा जा सकता, पर ऐसा लग रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हो। ये आपका नजरिया है, हुड्डा इसलिए, हुड्डा जी इसलिए ज्यादा वहां पर नजर आए क्योंकि उनका लोकल क्षेत्र है, वहां से खुद वो चुनाव लड़े हैं। दीपेंद्र जी वहां इसलिए नजर आए कि वहां पे उनका बाजू में उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। शैलजा जी वहां पे गई, हमारे प्रभारी जी वहां पे गए, कांग्रेस की तमाम लीडरशिप वहां पे गई। जहां तक रणदीप जी की बात है, उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की और राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेवारी देखते हैं, और भी उनके पास काम है। एक विधानसभा के लिए एक बार भी हरियाणा नहीं आए, एक बार भी हरियाणा। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तो 1 से 14 तक की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। 1 से 14 राउंड तक की गिनती शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे 1 से 14 तक के बूथों की गिनती शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अब रुझान आएंगे एक एक करके बूथों से। तो आपको बता दें तो रानीखेड़ा गांव की ईवीएम खुल चुकी है, इसके अलावा जागसी की ईवीएम की भी वोटिंग की, वोटर्स की काउंटिंग हो रही है। मातंड की ईवीएम मशीन भी खुल चुकी है, छतेहरा की ईवीएम मशीन खुल चुकी है, बड़ौती खास भी एक क्षेत्र जिसकी ईवीएम के वोट्स की गिनती शुरू हो चुकी है, और जवारा की ईवीएम भी खुल चुकी है। तो ये वो क्षेत्र 1 से 14 बूथों की ईवीएम की वोट्स की गिनती शुरू हो चुकी है और ये वो क्षेत्र जिनका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, रानीखेड़ा से लेकर कई गांव, कई क्षेत्र जिनके वोट्स की गिनती इस वक्त लगातार जारी है, जागसी, रानीखेड़ा। इसके अलावा आपको बता दें मातंड और छतेहरा की ईवीएम खुल चुकी है। तो लगातार महाकवरेज जारी है बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना को लेकर और तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।